प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैं बताया था कि हमारी बुद्धि ही हमारी शक्ति है, वही मेरा परमेश्वर है, वही हमारा भगवान है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए कहा है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। परिस्थितियाँ हमारे विचारों से आती हैं, चित्र का निर्माण हमारे विचारों से होता है। तो हमको अपने आप से ही पूछना है, अपने आप को ही ये विश्वास दिलाना है कि आप जो सोचेंगे दिल से, दिल तो सोचता नहीं है, लोग बोलते हैं, लेकिन दिमाग ही सोचता है। जो दिमाग में सोच लेंगे, जो दिमाग में दृढ़ संकल्प से जिन विचारों को आप स्थापित कर लेंगे, वो आपके जीवन में दिनचर्या बन जाएगा, आचरण बन जाएगा, व्यवहार बन जाएगा, परिस्थितियों पर बदल देंगे। कि दुनिया में जो भी हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हमारे लिए हुआ है, वो सब हमारी सोच पर आता है। चलिए इस भजन को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी शक्ति मेरा आत्मविश्वास है। हमारा आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, वही मेरा सबसे बड़ा इष्ट देव है, आत्मविश्वास। इसलिए अपने आप को मैं ये भजन सुनाता हूँ, सुनिए। विश्वास कमजोर होना, कितनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, कितनी शक्ति का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। हमारे आत्मविश्वास कभी जगमराए नहीं, हमारे चित्त की गति इन विचारों नहीं और पूरे फले। यही सुनता हूँ, अपने आत्मविश्वास को कभी भी गिरने नहीं दें, गिरने नहीं दें। इन विचारों को चिंतन करें, मनन करें, धारण करें, ध्यान लगाएं, और ऐसा हो जाए। देने वाला कोई बारी शक्ति। विश्वास को बढ़ाओ, आत्मविश्वास दिल खो जाती पाई है घरे पानी पर, तेरा साई तुझ में
प्यारे दोस्तों, ये भजन बहुत ही महान विचारों से समर्थित है, इसीलिए मैं इसको दोहराता हूँ, अपने जीवन में उतारता हूँ, ध्यान लगाता हूँ और परिधारण करता हूँ विचारों को। इसमें बहुत सारी गंभीर बातें हैं। मन का विश्वास कम नहीं हो, ये कभी नहीं सोचना कि दूसरों ने मुझे क्या दिया, मैंने क्या समर्पित किया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपने आप को इतने दक्ष बनाए, इतने ज्ञानी, इतने विचारशील, इतने सर्वशक्तिमान बनाए, इसलिए तो मेरा नाम है पंडित फकीर योगी बेंद्रे योगी। मैं दुनिया में यही सही रास्ते लोगों को दिखाता हूँ। बदले की भावना, पुतिन जेलेंस्की को देखो, देखो हमास इसराइल को देखो, देखो दुनिया में चारों तरफ विध्वंस ही विध्वंस है, हिंसा ही हिंसा है, झूठ ही झूठ है, नफरत नाराजगी की दीवार है। दुनिया कभी भी जल सकता है धो धो के। हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हो सकता है फिर से लड़ाई हो। पुतिन दुनिया को धमका रहा है, जेलेंस्की पुतिन को धमका रहा है, और दो खेमे बदला हुआ बांटा हुआ ये दुनिया कभी भी विश्व तृतीय युद्ध में जंप कर सकता है। शर्म करना चाहिए इन गद्दारों को और सीखना चाहिए इस पंडित फकीर योगी से। केवल प्रेम करो, यही योग है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।